असलम पे सौ देव टांग पे 500 रुपये क्या लिखो लिखो ये दे टांग चिलिया चाचा को बोल अगली बार हॉर्न का सिग्नल जल्दी देने का, आखिर में पलटी मारना मुश्किल पड़ता है। ठा 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 भागो, ठा 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 रुको, दिया तो था। शरीफ खाए दाल रोटी और कमीना सीख बूटी। चिलिया चाचा दो कीमा वाओ। असलम मेरा बच्चा ले रख। अरे दे टांग अबे ये तो चुप बैठा है, लगता है अपनी चीख निकालेगा। गलती बाइक की है, बंदे की नहीं। जो पैसा लगाया वो गया। लगाया तो नहीं पर सोच रहा हूँ तुम पर जुआ खेल लूं। चिलिया चाचा इनसे अगली रेस के पैसे ले लो। मैं चिल्लर लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सोच रहा हूँ। तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, तेरे बाप को पैसे पहुंच जाएंगे। टाइम पास मत करो साहब, मेरा बाप तो मुझे दारू की बोतल के लिए बेच देगा। मेरे लिए आए हो, मेरे से बात करो। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है बे, हैं? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं साहब, ना किसी ने लोरी गाकर सुलाया है, ना किसी ने माथा चूमकर उठाया है। तेवर दिखा था? तेवर ना दिखाओ तो लोग आंखें दिखाने लगते हैं। साले जावेद इन दोनों को काम पे लगा दो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। ए साहब अपना नाम तो बताओ। नाम बता दिया तो पहचान बुरा मान जाएगी। क्या हो गया भाई, ये दूध पीते बच्चे किस काम के? जावेद दूध में नींबू जिसने डाला पनीर उसका। इस उम्र की वफादारी जिद जैसी होती है जो धीरे धीरे जुनून बन जाती है, फिर अपने ही खिलाफ बोलने वालों के लिए जहर बन जाती है। बड़ा आदमी था। देख बेटा अभी तक लात पड़ती थी, आज पहली बार किसी ने हाथ दिया। और अपनी एक सेइंग है, जो दे साथ उसके रहो खास। भरोसा जीत भी लिया फिर भी है तो बच्चे ही। अरे एक से एक करू लाइन में खड़े हमारे इशारे के लिए। फिर भी इस बच्चे में इतनी जुर्रत थी कि वो मुझसे मांडोली कर सके। इस शहर के शहंशाह लोग महलों में रहते हैं, पर इस जंगल को चलाने के लिए जो शेर चाहिए वो सड़कों पर ही पैदा होते हैं। अपने मर मर के जीने की आखिरी रातें। हाँ यार कल से अपनी जिंदगी उस बड़े आदमी के नाम। खुदा इतनी जहमत कर कि बंदे भी थोड़ी रहमत कर। मैच का वक्त हो चुका है, अंपायर मौजूद हैं, दोनों मुल्कों के कैप्टन भी तैयार हैं। टॉस क्यों नहीं हो रहा?
I really can't understand. It's already 5 past start time. दर्शक बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, बड़े हैरान हैं, बेचैन हैं कि टॉस क्यों नहीं हो रहा है। दो ओवर का टाइम निकल चुका है, टॉस कब करोगे? लगता है सर के पास सिक्का नहीं। मैं दूं क्या सर? हेड, टॉस इन्होंने जीता है। हेड आया, बैटिंग हम करेंगे। शोहेब, रजाक गेंद करने जा रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बॉल को कलाइयों के सहारे ग्लांस कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग की तरफ। पापा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बॉल पे छक्का लगाने वाले हैं। सामने बोलर देखा है कौन है? मुश्ताक, आप मजाक कर रहे हैं क्या? दिल पर हाथ रख लो, अब बहुत जोरों से धड़कने वाला है ये। काफी अच्छे गेंदबाज है, अगली बॉल और। वैसे आप ही अपने दिल पे हाथ रख लें, टूटने वाला है। या फिर ये कैच हो सकता है क्योंकि खिलाड़ी ठीक नीचे है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए। ये कैसे हुआ? आप जादूगर हैं क्या? जादूगर नहीं, जीनी हूं, जीनी। खूबसूरत लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करता हूं। खूबसूरत शॉट निकलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चार रन। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप। खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। ये काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है। मुझे किसी ने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तभी से ये काला चश्मा पहन के रखता हूँ। बैट्समैन इज ऑन 99। पापा जी हिट द बॉल हाई अप इन द एयर। सेंचुरी कितने पास और आउट। हाय अल्लाह, आज के मैच में अल्लाह इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूँ। सेंचुरी होके रहेगी पापा जी की। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है। लगी शर्त। कैसी शर्त? वहाँ उसके 100 हुए, यहाँ 100 मिनट तुम मेरे साथ मेरे पास में गुजारोगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं शादीशुदा हूँ। आउट, आउट। काश शर्त लगा लेती, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त, देखो। नो बॉल, ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था, उसे सीरियसली मत लेना। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूँ, पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाऊँ। मुझे आशा कहीं जाना। मैं जानता हूँ, आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे घर आ रहे हैं। तुम? शोएब, शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है, दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूं, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े ला। समीर। हाय भाई, आपकी बीवी कमाल की है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। आखिर बीवी किसकी है सर? आखिर बीवी तो आप ही की है। कहाँ है इस वक्त? बाहर होगी, अब हमारे साथ यहाँ जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी ना आएगी। सही बात है, आपके साथ जेंट्स टॉयलेट में क्या करेगी वो? एग्जैक्टली। चलिए आप चलिए, मैं हाथ धो के आया। सी यू। अरे वर्धन भाई, आप क्यों खड़े हो गए? आपके आने पर तो हम खड़े हुआ करते थे। और वैसे भी मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अब मेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा। बैठो जावेद। यह तो सुल्तान का नक्शा है। और यह है शोएब की बंबई। यह नक्शा क्या कोयले से बनाया है? सारा काला कर रखा है।
हमारा इलाका कौन सा है? वर्धन भाई, हमको यहाँ जलाने के लिए बुलाया है क्या? ये बड़े बड़े फैसले तुम्हारे समझ के बाहर है, साफ जाहिर है। एक रंग एक राजा। अगर ये फैसला हमें मंजूर ना हो तो? अगर किसी को भी लगता है कि वो मुझसे दो कदम आगे है तो ये रही बंबई, चढ़ा लो इस पे अपना रंग। लेकिन एक बात याद रखना, जितने मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो साले कब्र में पैर फैला के लेटे हुए हैं। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ शोहेब। अरे सुल्तान ने शहर के 5 हिस्से किए थे। सुल्तान बहुत अच्छा आदमी था। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मुझे तो लगता है इसका जन्मदिन भी नहीं है। हमें बुला के सब कुछ ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रे तेरा मेरा करता है? सब कुछ मेरा, पर ऐसा नहीं कि तुम लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब आज से हम रखेंगे, पर किसी का हक नहीं मारेंगे। बाकी की जिंदगी इज्जत और आराम से कटेगी। जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। वर्धन भाई, ये रावल कहाँ है? मैं समझा दूंगा उसे, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। रावल मान गया तो ठीक है, वरना गलत काम तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। भाई कल को ज्यादा तो नहीं हो गया? जावेद, 10 साल लगे हैं इस वक्त को खड़ा करने के लिए, इतनी पावर और पैसा जमा करने के लिए कि कोई सामने चू करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे बंबई का एक हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बंबई चाहिए। अब अगर दान किया तो धंधा बुरा मान जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? साला शोहेब नहीं है वो, शैतान है शैतान। साला बम से भी नहीं मरा। अब गांव जाओ, भेस बदलो, बुर्का पहनो, मंदिर के बाहर भिखारी बन के बैठ जाओ, लेकिन पकड़ मत जाना। हाँ, अगर अपना एक भी आदमी पकड़ा गया ना तो हमारे घर में सिर्फ औरतें बचेगी, बस औरतें। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? रिलैक्स डार्लिंग, तुम बेकार ही डर रहे हो। और शोहेब के कितने दुश्मन है, और बम पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। उसे कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे तुम ही हो? यह कमीनी हरकत रावल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो साला ये भूल गया है कि जो खेल उसने शुरू किया है खत्म मैं ही करूंगा। वो आपके बंबई में नहीं होने का फायदा उठा रहा है, उसे लगता है वो वहां पे महफूज है। मच्छर जिसका खून पीता है साला मरता भी उसी के हाथों है, पर उसके लिए मच्छर का हाथ में आना भी जरूरी है। जावेद, बंबई की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शोएब के पहुंच के बाहर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत दिनों बाद बंबई ने मुझे अपनी बाहों में बुलाया है। अब देखना ये है कि वो गले लगाती है या फिर गला काटती है। Let's see.
मुमताज घर से बाहर आ चुकी है। फॉलो हर, मुझे एक मूवमेंट की खबर चाहिए। चलो। छह टैक्सियां कहीं से आ गई हैं और सर सभी में काली बुर्के वाली औरत बैठी है। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता, किया क्यों नहीं? तुमने ये क्या है? सर सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश, एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो। तुम्हें यह खुद नहीं आना चाहिए था, पूरी बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले, टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काट कर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता हूं। वालेकुम सर। जब तक मैं बंबई में हूं, तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है? भाई वो अंगड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं, तो असलम गए उनकी फील्डिंग करने के लिए। कहता है जब चैलेंज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है। ओए, मरने की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो मेरी एंट्री हुई है, डीएम डालने में बहुत टाइम बाकी है दोस्त।
लूट भी लिया और बचा भी लिया। मैं एक दिन में दो गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है। साली डेटा। अरे क्या कर रहा है असलम? हाँ? अबे कितने बार बेल कराऊंगा तुझे? पिछले जन्म में लगता है तो मेरी बीवी था। जब देखो खर्चा करवाता रहता है। चल छोड़ना यार, एक दिन सब साथ में चुका दूंगा, ठीक है? चल आजा। अकबर बेल, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ मतलब शोएब भाई बम्बई में? और तुमको बुलाया है। चल डेटांग। सिर्फ तुमको। माफ करना भाई, खाली हाथ दुआ सलाम करने में मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इन चमकते हुए पत्थरों को देखकर औरतें गलतियां माफ कर देती है, शोएब नहीं। क्या गलती हुआ भाई? मैं यहां शाबाशियां बांटने नहीं आया हूं, किसी को शांत करने आया हूं। पुलिस के कानों में बहुत शोर मचा रखा है उसने। कौन है भाई? आप आवाज करो, बहुत जल्द उसकी आखिरी चीख आपके कानों में होगी। डाल दे सारा का सारा लोहा उस गद्दार में। कौन है भाई? नहीं भाई, या तो आपके हाथ फोटो गलत लगी है या फिर इंफॉर्मेशन। मैं यहां तक गलतियां करके नहीं पहुंचा हूं असलम। ये जो तेरा दोस्त है ना, बार बार इसलिए अरेस्ट नहीं होता है कि साला पुलिस का भैनोई है। ये इसलिए वहां जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। साला पुलिस का कवरी। सलाम भाई। तू दो नाव पर खड़ा है असलम, आज देखना यह है कि किसका हक अदा करता है, दोस्ती का या फिर नमक का। जा डेटांग, भरोसा कमाने में एक उम्र लग जाती है और गवाने में एक मिनट भी नहीं लगता। बराबर बोला। नाम अपना बड़ा ना हो पर हमने काम कभी छोटे नहीं किए। बराबर बोला। जिस आदमी ने हमारे सर पर हाथ रखा, तूने उसी आदमी का हाथ काट लिया। ए, क्या बोल रहा है? हमारे धंधे की एक सेइंग है, जान से ज्यादा यहां जुबान की कीमत होती है, और वही जुबान तू पुलिस को बेच कर आया। क्या? बोल। ए, क्या कर रहा है? तूने इतनी साल की दोस्ती पर मिट्टी डाल दी, शोएब भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है मैं गद्दारी कर सकता हूँ? शोएब भाई ने बोला तू गद्दार है तो तू गद्दार है। हे असलम, पड़ गया ना एहसान भारी दोस्ती पर। अगर तेरा दिल मेरे खिलाफ है ना, तो सीधा दिल पे गोली मार, यहाँ मारना, यहाँ मार, मारना, मार। शोएब भाई, दिमाग झूठ पर चल सकता है पर दिल नहीं। डेटांग मेरी परछाई है, अगर ये गद्दार है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं।
कौन कहता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ? तुम दोनों पे जो खेला था आज पूरा पैसा वसूल हो गया। लेकिन भाई आप हलीगन लेकर क्यों घूमते हो? असलम, शोएब को अगर कोई समझ पाए तो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर। वो है ना मिश्रा पनवाड़ी, गलत आदतों की दुकान, सुना है हिसाब चलता है उसका। रावल को बोल देना उसका बाप आ गया यहाँ पर। 2 बजे के करीब उसकी गाड़ी निकला तो कर दी थी, लेकिन काफी दिन हो गए मैंने उसे देखा ही। बोल। अरे बताते हैं बताते हैं। अरे पागल साला, धोती कुर्ता पहन के आता है तो पान चबाता है, फर की टोपी पहन के आता है तो चिरुट चलाता है। मतलब प्रेम चोपड़ा जैसे कपड़े पहनता है वो, प्रेम चोपड़ा जैसे, समझे? ए टकले, रावल कहाँ है वो? वो प्रेम चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है, उसकी हर पिक्चर देखता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या इन्फॉर्मेशन लिखे वो प्रेम चोपड़ा का फैन है? तो क्या करें, प्रेम चोपड़ा से जाके रावल का पता पूछे? अरे वो कपड़े भी उसकी तरह पहनता है। तो मुंबई के सारे दर्जी से जाके पूछे रावल का नाप किसके पास है? वो अपने लोगों पे धाक जमाता होगा कि प्रेम चोपड़ा और अपना टेलर एक ही है। जो लोग शौक रखते हैं उसे पूरी तरह पालते हैं। पता ये करना है कि फिल्म स्टार्स अपने कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं। तुर्रम नाम है अपना, तुर्रम खान। प्रेम चोपड़ा वाला सूट सिलवाना है जो उन्होंने अपनी नई फिल्म में पहना है। जल्दी चाहिए, पैसे डबल ट्रिपल भी दे सकता हूं। लो, एक और प्रेम चोपड़ा साहब का भगत आ गया। ये देखो, ये भी प्रेम चोपड़ा का सूट है। अरे इसकी भी डिलीवरी करनी है। हाँ तो यही दे दो ना। अरे अरे, व्हाट डू यू मीन ये दे दो? अरे हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं? अरे आपको मालूम है ये किसके लिए है? ये हमारे सबसे पुराने रेगुलर कस्टमर की है। अरे उनके कपड़े तो हम प्रेम चोपड़ा साहब का पोस्टर देखकर ही बना देते हैं। तो उनके लिए एक और बना दो जल्दी से। ओ एक्सक्यूज मी, देखिए हमें इसकी डिलीवरी आज ही करनी है। आज ही? रावल प्रेम चोपड़ा बनने वाला है। तो बस गाड़ी चालू रख। घर के बाहर तो निकलते नहीं कि कहीं कोई देख ना ले, और तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे मेले में जाना है। काम भले ही मैं गंदे करता हूं पर साफ सुथरे रहने की गंदी आदत है मुझे। वादे तो रानी बनाकर दुनिया दिखाने के किए थे। 15 दिन से बस एक छत देख रही हूं मैं। एक तो शोएब हाथ धो के पीछे पड़ा है और एक तू उंगली करती रहती है। थोड़ा गुपचुप बैठ, जरा मामला ठंडा हो जाए फिर दिखा दो तुझे मैं अपनी गर्मी। अरे छोड़ रही। तुझे बहुत गर्मी लग रही है रावल। हाँ चल ठंडा हो। रावल, शिट,
साले गोटिया खेली के औकात नहीं है, गोली चलाने निकला। माँ बहन की गाली ठीक है मगर तू मुझे मारा कैसे? हाँ अबे तूने काम ही कान पे बजाने वाला किया था भाई, रावल हाथ में ही था। घंटा घंटा हाथ में था तेरे। तुम लोगों को मैंने मगरमच्छ मारने भेजा, तुम लोग यहां मच्छी बाजार बना के बैठे हो। हंसने की आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है तुम लोगों के कानों में? बंबई हंस रही है हम पे, बोल रही है खाक राज करेगा शोएब भंवर। एक बात याद रखना, दुश्मन जब हाथ से निकल जाता है ना तो पूरी रात चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, खान खान खान। भाई रावल हाथ से निकल गया पर कम से कम साले का दिल तो तोड़ दिया। तेरा क्या प्लान है, उसको किश्तों में मारेगा तू? अरे रावल और उसकी मोना कौन से लैला मजनू थे कि मजनू पे आई तो लैला कट ली है? जावेद आजकल प्यार ना नौकरानी जैसा हो गया है, आता है बेल बजाता है काम करता है और चला जाता है। सही बोला भाई, प्यार में आदमी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मेरे साथ कभी हो तो जैक लगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी असलम, प्यार का मारा वैसे भी पानी नहीं मांगता। अरे ओ बुजदिल, डरपोक, आत्महत्या करते शर्म नहीं आती? चलो उतरो वहां से, नीचे आओ। हे, तुझे किसने कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ? तुम आके मछलियां गिन रहे हो, नीचे उतरो। ए लड़की, शोएब नाम है मेरा, शोएब। तो इतना भी बुरा नाम नहीं है, पसंद नहीं तो बदल लो, मरने की क्या जरूरत है? लगता है भगवान ने सारा माल पानी आंखों में दे रखा है, ऊपर देना भूल गया। लड़की से बात करना भी नहीं आता तुम्हें? लड़कियों से बात करके टाइम वेस्ट करना शोएब की फितरत में नहीं है। इसलिए तो अकेले हो? तुम भी तो अकेली हो। हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को जानते नहीं इसलिए अकेले हैं। हम इस शहर में पुराने हैं, सभी हमको जानते हैं लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? सीधे तो आजकल साधु नहीं चलते, मैं तो फिर भी शैतान हूं। तुम सच में आत्महत्या नहीं करोगे ना? तुम मुझे नहीं जानती, बहुत ही पावरफुल इंसान हूं मैं, दुनिया डरती है मुझसे। समझ गई, तुम बहुत पावरफुल हो इसलिए लोग तुमसे डरते हैं, लोग डरते हैं इसलिए तो अकेले हो। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पकड़ के गठरी में बांध के समुंदर में फेंक सकता हूं, पता भी नहीं चलेगा तुम कहां गई। कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे साथ, एक तो तुम्हें मरने से बचाया हमने। लेकिन मरने जा कौन रहा था? रोका तो हमने ना, इससे पता चलता है कि हम अच्छे हैं, फिर भी तुम इतने गंदे तरीके से बात करे जा रहे हो। शोएब जी, ये नाम माम को मारो गोली, अपनी पहचान बदलो। भाई क्या बोल के गई, उठा लूं क्या? साले पहली बार कोई हमारे साथ पुण्य करने की सोच रहा है, तू वहां भी पाप करना चाहता है? अबे जाने दे, अच्छे लोग वैसे भी हम जैसों को कम ही टकराते हैं। लड़की जब रोती है ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर जब लड़का रोता है रीजन लड़की ही होती है। शाहिन के बाप की माँ का बुढ़ा उसे मुझे मिलने नहीं दे रहा है और उस साले को ठोकने नहीं दे रही है, कहती हाथ भी लगाया तो मुझे छोड़ देगी। ये बुढ़ा पनौती बन के आया मेरे लाइफ में भाई, वो वहां बैठ के रो रही है और मैं यहाँ। अपनी दोस्ती टायर और ट्यूब जैसी है, हवा तेरी निकलती और बैठ मैं जाता हूँ। तेरा होने वाला ससुर है, तू तो नहीं लड़ सकता, मैं तो लड़ सकता हूँ ना? मतलब अब वो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, शुक्र है कि तुझे यहाँ नहीं दिया, वरना मैं तो अकेली मर जाती। और वैसे भी मैं मर जाऊंगी या भाग जाऊंगी लेकिन टेटा के बिना नहीं रहूंगी। आप तो बड़े फिल्मी हो, नाच गाना फुल स्टाइल में।
यार अपना तो हमेशा कैचिंग अंदाज रहा है, बचपन में लंगोट नहीं, कल मैं रुमाल पहनता था। ये दोनों मेरा दिमाग खराब कर देंगे। शर्म नहीं आती तुमको? अबे डेट टांग, अभी मेरी गाड़ी भी डेट पहिए की करेगा क्या? आराम से साले। हाँ क्या रे, तू बोल रही थी? बोल नहीं रही थी, पूछ रही थी क्या करते हैं आप। जेब काटता हूँ, गले काटता हूँ। गुंडे हो? टेलर हूँ। फिर ठीक है, हमें गुंडों से बहुत डर लगता है, पता है हमारे कश्मीर में तो एक भी नहीं है। तो किसी लंबी लगवाएगी? हाँ टॉप क्लास आइटम है और ब्रेन कम। आपको अंग्रेजी आती है? हाँ फुल स्पीड में। सिखाएंगे हमें? अरे तुझे सीखने में 2 जन्म लगेंगे, मेरे पास एक ही है। मदद कर दो ना प्लीज। ठीक है, यू गिव ध्यान, आई गिव ज्ञान। ए फॉर ABCD आती है हमें, बस थोड़ा बहुत अपने बारे में जानना है, जैसे कि हम कश्मीर में पैदा हुए, ये कैसे कहेंगे? बस बाएं हाथ का काम है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। आई कम आउट ऑफ माई मदर इन कश्मीर। हमारे अब्बू अखबार के लिए काम करते थे। मेरा फादर वर्किंग फॉर रद्दी। मेरी 2 बहनें हैं। आई 2 सिस्टर बहुत आइटम। आइटम? मैं 11वीं तक पढ़ी हूँ, क्या कहते हैं उसे, इंटर कोर्स। हाँ शायद यही होगा। वही है। पर मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाई, बहुत मन था करने का पर हमसे हुआ ही नहीं। आई लेफ्ट कोर्स बीच में, हार्ट एंड बॉडी वांटेड कोर्स, कंडीशन अप्लाई। शायद इसलिए अंग्रेजी कमजोर है। I don't know English medium course, only Hindi medium course. एक और। खुदा ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है ताकि सारे काम एक दिन में ना करने पड़े, आज के लिए काफी है, बाकी कल। ठीक है शुक्रिया। ये बंबई है, यहाँ बोलने का थैंक ले और वटक ले। थैंक ले और वटक ले? बस क्या क्या? अरे कोई थैंक यू बोले तो बोलने का बस क्या बस क्या। अबे ओए, उस टाइम मैं और शाहिन बात नहीं करते, तू क्या लेक्चर पिला रहा था? तो और क्या करता, वहां तू मेरी गाड़ी की लगा रहा था और वो लड़की मेरी। कौन? जैस्मिन? अबे अच्छी तो है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। अरे टिकाऊ नहीं, पकाऊ थी। 11वीं तक पढ़िया फिर भी मैंने बताया। मैंने 11वीं को अंग्रेजी में कोर्स कहते हैं। क्या? अब कोर्स का मतलब भी पता है? हाँ 11वीं तक पढ़ाई ना। 11वीं तक पढ़ाई को इंटरमीडिएट कहते हैं, कोर्स नहीं। अच्छा? कोर्स का मतलब है सेक्स। क्या? हाँ सेक्स। अरे वो इंटर कर रही थी, मैंने कोर्स लगा दिया, हो गया कोर्स। वाह रे बाबा आदम, हाँ तुमने पहली मुलाकात में उसे सेक्स पढ़ा दिया। अगर उसने किसी को बता दिया कि वो कोर्स पढ़ी है। चलो ना माँ, नकली मुस्कुराते हुए गाल दुख रहे, फिर भी कोई हमें नहीं देख रहा। पागल मत बन, अब तो बड़ी हीरोइन बनने वाली है, इन पार्टियों की आदत डाल ले। मैम इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिलेगा? हेलो, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक, और आप? डूइंग वेरी वेल। आपकी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू।
यस मैम। तुम नहीं, तुम इधर आओ। बहुत सॉलिड लग रही हो। तुम तो अभी भी वैसे ही लग रहे हो। एक बात कहो, काले चश्मे उतार लो, रात हो गई है, लोग हंसेंगे तुम पर। मुझे देखकर कोई मन में नहीं हंसता, मुंह पर हंस के इन लोगों ने मरना है क्या? हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं मैं तुमसे ही क्यों टकरा जाती हूँ। जिनकी किस्मत चमकनी होती है वही मेरी नजर में आ जाते हैं। इसी चमक थमक से तो डरते हैं हम। पता है हमारे पूरे कश्मीर में इतने शिकारे नहीं जितने इस पार्टी में लोग हैं। शिकारों को मारो गोली, चल आ कोने में। ए, तुमने हमें समझ क्या रखा है? ऐसी वैसी लड़की नहीं है हम, हमने भी इंटरकोर्स किया हुआ है। कौन सा कोर्स? ए, चल। मेरे चेहरे पे मत जाना, टॉप किया था उस कोर्स में। वो तो डीके साहब ने यहाँ बुला लिया हीरोइन बनाने, वरना उसको उससे भी कहीं आगे निकल जाती। तू डीके की हीरोइन है? हाँ तो? ठीक कहा था डीके साहब ने, पिछली वाली ने नियत खराब की थी, ये वाली रावण के मुंह से भी राम राम ही बुलवाएगी। वैसे कोई हमारी तारीफ करे हमें अच्छा लगता है, पर आपके साथ अभी भी कच्चा पक्का। अबे वो लड़की, जितने तूने रोजे नहीं देखे ना, उससे ज्यादा चांद रातें देखी मैंने। दोबारा मेरा रास्ता मत काटना। अरे आप तो बुरा मान गए, प्लीज मत जाइए, अगर आप ही चले गए तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। चल फिर आ मेरे साथ। अंदर तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी अनजान प्लेटफॉर्म पर उतर आई हूँ, ना जगह जान पहचान वाली ना लोग। तूने मुझे जान लिया ना, तेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी समंदर के बाद बंबई शोएब से ही जानी जाती है। अंदर इतने सारे सितारे हैं और बाहर आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। तुझे तारे देखने हैं ना, तू आवाज कर, तेरे को तारे दिखाता हूँ। बहुतों को तो मैंने दिन में तारे दिखाए हैं, तुझे रात में तो दिखा ही सकता हूँ। अच्छा है कोई ऐसी जगह? चलो वहां चलते हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन करना है बस, 100 लोग लग जाएंगे तेरे लिए आसमान चमकाने में। वो कैसे? सारे शहर की बत्ती गायब कर दूंगा, फिर आराम से तारे देख सकती हो। आराम से देखना और गिनते रहना। दूसरों की घर की रोशनी छीन कर हमें दोगे? नहीं देखने हमें तारे। तुझे क्या चाहिए तू आवाज कर, ऐसे ला दूंगा। बाप हो हमारे, बाप हो तुम हमारे, जो कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने लायो। क्या चाहिए आवाज कर, ये दिला दूंगा। एक तो हम वैसे ही परेशान है, हीरोइन बनने आ तो गए, अब डर लग रहा है। ये सब बड़े बड़े लोगों के बीच हमारी क्या जगह है, क्या पहचान है हमारी? चल मेरे साथ। कहा? तारे देखने का बहुत शौक है ना, आ तुझे सितारा बनाता। क्या बात है, बड़ी नर्वस लग रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के बोलने की आदत नहीं है, बस इसलिए थोड़ा सा नर्वस। अपनी एनर्जी बचा के रखो, वैसे भी बेस्ट एक्ट्रेस तो मुझे ही नहीं देने वाला हूँ। इस साल का सबसे खूबसूरत नए चेहरे का अवार्ड जाता है जैस्मिन को। जैस्मिन? मिस जैस्मिन, जैस्मिन शेख। आज की रात का सबसे खूबसूरत चेहरा। थैंक यू। इन अवार्ड्स की कीमत सिर्फ एक साल की होती है, पर दुआएं हमेशा साथ देती है, इसलिए कहना चाहूंगी बस दुआ में याद रखना।
थैंक्स ले और पटक ले। आप मीडिया को बताएंगे ये अवार्ड आपको कैसे मिला? पिक्चर रिलीज नहीं हुई और अवार्ड मिला। मैडम क्या ये अवार्ड आपने खरीदा है? जैस्मिन बेटा तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, मैं सबको रोकती हूँ, जाओ। टैक्सी दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं, एक जो कभी मौके पर साथ नहीं देते और एक जो मौका ढूंढते रहते हैं। जो मौका छोड़ते वो मर्द कैसा, पर आज तुम्हें हम घर छोड़ देते हैं। मौके तो हम बनाते रहते हैं। आइए ना बैठिए। आज पता चला कि आप आम आदमी तो नहीं हो। आम आदमी आम ही की तरह होते हैं, कोई उन्हें चूस लेता है तो फिर कोई उन्हें काट देता है, कभी कभी तो कोई उसे खा भी जाता है। बातें भी बड़ी बड़ी कर लेते हो। मेरी शक्ल पे मत जाना, कहते हैं कि मेरा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। अच्छा, आपके अब्बा क्या करते हैं? बेचारे पुलिस में थे। और आप? चोर। बचपन में हम दोनों चोर पुलिस बहुत खेला करते थे। आप इस खेल में हमेशा जीतोगे। वो क्यों? ये काला चश्मा जो लगाए घूमते रहते हो, कोई बता नहीं सकता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक बार ये चश्मा उतार कर दिखाओ बाबू, फिर हम पुलिस और आप चोर, फिर देखते हैं कौन जीतता है। निकालो निकालो। क्या हुआ, डर लगता है क्या? ये आंखें नहीं खतरनाक घाट है, एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़, कहीं फिसल ना जाना। अच्छे खासे तो लगते हो इनके बिना, सीधे साधे से क्यों गुंडे से बने घूमते रहते हो? आपकी आंखें पता है क्या कहती है? क्या कहती है? कि आपको प्यार कभी नहीं हुआ, पता नहीं बहुत बार हुआ है। पता नहीं? हाँ, पता नहीं कोई मेरे लिए बना है या नहीं, पता नहीं इस पर भरोसा कर सकते या नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। ये चश्मा उतार कर फेंक दो शोएब जी, आंखें दिल का पता बताती है और ये बता रही है कि ये पता बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा और कुछ उतार के फेंकने को मत कहना, वरना मेरी शराफत बुरा मान जाएगी। अब तक बची है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने दिनों से चौकीदार की तरह शाइन के घर के चक्कर काट रहा हूँ। गली के कुत्तों तक से दोस्ती हो गई है, तेरे को भी पता ही नहीं है। इतने हक्के बक्के क्यों घूम रहे हो? हक्के बक्के? यहाँ मेरे चक्के छूट रहे हैं। ये बता, तू बहुत लोगों से मिलती है? मिलती हूँ, गिनती नहीं। तूने किसी को बताया तो नहीं ना? क्या? अरे तूने वो कोर्स किया है? बताया ना एक को। अब हमने कोर्स किया है तो शर्माना क्यों? मर गया असलम, तूने खले चिंगारी को हवा दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा, पहले तो हम परेशान थे कि हमने वो कोर्स किया है, अब तुम परेशान हो कि हमने वो कोर्स किया है। तुम इस कोर्स से इतना डरते क्यों हो? वो क्या है ना, उस कोर्स का मतलब पढ़ाई नहीं होता है। तो फिर कैसे समझाऊं? फिल्मों में जब दो फूल आपस में टकराते हैं तो उसके पीछे वो कोर्स होता है। कमरे में जब कुंडी लगती है और दुपट्टा पंखे में लिपट जाए तो नीचे वो कोर्स हो रहा होता है। जब लड़की चिल्लाकर बोले भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसका मतलब है उसे उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। उस कोर्स का मतलब सेक्स है।
अल्लाह ये क्या बुलवा दिया हमसे। देखो बुरा मत मानो, तुम पढ़ना चाहती हो ना, ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो पेन है, लेकिन बड़ी कमाल की चीज है, इसे मुंडी से पकड़ के जब घुमाते हैं ना ये बदल जाता है, आ गया ना ताकत से नजाकत पे। तुमने हमें समझा क्या है? एक तो गंदी गंदी बातें बुलवा देते हो और फिर गंदी गंदी चीजें दिखाते हो। हमने तुम्हें शरीफ समझा था। नहीं लेकिन मैं शरीफ हूँ, बोलो ना गलती हो गई, वरना मैं ऐसी हरकत नहीं करता। अब हमें तो बदनाम कर दिया ना। देखो मुंह की बात दिल पे मत ले, तुझे जो चाहिए बोल, चांद तारे बोल वो भी ला दूंगा। बस इतना याद रखना, तुझे चांद दे दिया तो बाकी सब ईद कैसे मनाएंगे, और तारे दिलवा दिए तो चांद अकेला पड़ जाएगा ना। ऐसी बात है तो कर दो चांद को अकेला, अब जब तक तुम तारे नहीं दिखाओगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। क्या भाई रोज रोज यहाँ आके खड़े हो जाते हो? अरे लड़की है लहरे नहीं, जो रोज समुंदर के किनारे पे मिलेगी, चले। जब से उससे मिला हूं जावेद, साली तेरी शक्ल भी मुझे अच्छी लगने लगी। असलम कहाँ जा रहे हो तुम? रुको देखो ये तारे इंटर को सब भूल जाओ, नहीं देखना मुझे कुछ भी। अरे देख मैं जो कह रहा हूँ वो कर, जल्दी कर वरना कट जाएंगे। तो खोल कश्मीरी मिर्ची, कुछ हुआ क्या तेरे को? देख ये बंबई है और यहां सपने उसी के पूरे होते हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं। चल तेरे से नहीं होगा। नहीं एक और बार प्लीज। जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो तीसरे दिन मरना मंजूर है। मन तो कर रहा है पूरी रात यही कट जाए। हाँ तो लेट ही रहे, यहाँ कौन सा भाड़ा लग रहा है। और वैसे भी बंबई चलती दो चीजों पर है, एक लक दूसरी लोकल, एक गई तो दूसरी आएगी। हमें तो थैंक्स ले और बटक ले कहना चाहिए। बस क्या, अरे ये तो अपने पे कर्ज था, चुकाना ही था। मैं तुम्हारी बात नहीं शाहीन और डेट टांग की कर रही थी, ना वो मिलते ना हम मिलते, ना हम मिलते ना ये नजारा देखने मिलता। देख डेटांग अपना यार है वो सब ठीक है, पर तू शाइन का नाम मत ले अपने सामने। क्यों? अच्छा खासा मेरा एक लौता दोस्त था, अपनी गाड़ी डबल सीट थी वो और मैं, बस जब से शाहीन मिली है ना साले के ब्रेक ही फेल हो गए। अच्छा जलन हो रही है, दोस्त दूल्हा बन गया और ये घोड़ा अकेला रह गया। तुम्हारे शहर का तो दस्तूरिया में समझ नहीं आता, हर कोई अकेला है, हर किसी का दिल चिल्ला रहा है, किसी को बुला रहा है फिर भी दिल लगाने से डरता है, दोस्त बुलाने से डरता है। सच्चे दोस्त आंसू की तरह होते हैं, यहां दिल उदास हुआ वहां वो आ गए। अगर कभी हमारी दोस्ती पर शक हुआ तो अकेले में सिक्का उठा। एसीपी सावंत। कितने साल हो गए इस पोस्ट में सावंत? जितने साल तुझे पैदा हुए हो गए। कौन बोल रहा है? तेरी तरक्की, ऐसी खबर कि तेरे कंधे पे एक स्टार नक की। कैसी खबर? मड आइलैंड के बंगले से जो लाश मिली मोना की, उसका खूनी जिमी है और जिमी शोएब का कुत्ता है। और तू कौन? पुलिस को गब्बर चाहिए, मुझे भी गब्बर चाहिए। तुम जिमी को पकड़ो मिल जाएगा। बोल, तूने शोएब के कहने पे गोली चलाई थी, क्यों मारा मोना को?
कौन मोना, किसकी मोना? मैं किसी मोना को नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि तेरे जैसे सरकारी लोग बिना सबूत के मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उखाड़ नहीं सकते, लटका जरूर सकते हैं, मगर तू चाहे तो अपनी इस प्यारी गर्दन को बचा सकता है। बोल के तूने उसके कहने पे गोली चलाई, सरकारी गवाह बन जा। तेरे पास सबूत है ना? डाल मुझे अंदर, चल कोर्ट में। तेरे जज के ऑर्डर ठोकने से पहले ना शोएब सारे सबूत मिटा देगा, समझा तू? जो डर जाता है ना, तेरे जैसे सरकारी लोगों का मेडल बन जाता है। ऑफिसर, ना मैं तेरा मेडल बनने वाला हूं और ना शोहिब को धोखा देने वाला हूं, समझा तू? चल कट ले तू, चल चल, तू मेरे काम की चीज नहीं। मैं जाऊं? हाँ, इसके पहले कि मेरा दिमाग बदल जाए। ओके। जो तुम्हारे रास्ते पे चलता है वही तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश करता है। क्या हो गया, कौन सा उठा रहा है? जिमी ऊंचा उठने के चक्कर में बहुत नीचे गिर गया है, गद्दार है साला वो। जिमी? उसने रावल की आइटम को शूट किया था ना, पुलिस ने उसे उठा लिया। आप सिर्फ हुक्म करो भाई, थाने में ही ठोक देता है साले को। सावंत ने उसे पकड़ के 10 मिनट में छोड़ दिया, शोएब के गिरेबान को पकड़ के फिर ये हाथ खोल दिया। क्यों, क्यों? लगता है जिमी पुलिस के साथ मिल गए, अपनी जान बचाकर हमारी फंसा दी। जावेद, अगर उसने पुलिस के कानों में मुताया ना तो हाथ साला जान से धोएगा। चल गाड़ी निकाल। नहीं भाई, भाई, हो सकता है पुलिस ने बकरी को इसलिए छोड़ दिया हो कि शेर गुफा से निकले और वो उसे दबोच ले। आपका जाना ठीक नहीं है, आपको जिमी चाहिए ना, मिल जाएगा। सादा बनारसी जी। के बहुत सारे आदमी घर की रखवाली कर रहे हैं, मतलब जिमी अंदर ही है। भाई को जिमी चाहिए तो किसी भी कीमत पर चाहिए। असलम, असलम ने जबान दी है, अब जान भी चली जाए पर जिमी की तो। बाप ने लेके दी है क्या बे? जैसे मर्जी चलाऊंगा। तेरे बाप को बोल एल का बोर्ड लगा के भेजे। कल्लू को बहुत चर्बी चढ़ गया रे। चलो इनको सी का बोर्ड पहनाते हैं। चलो। एसीपी सर,
इंस्पेक्टर दामले बोल रहा हूँ। बोलो दामले, क्या हुआ? यहाँ लॉज के पास कुछ बाइकर्स ने झगड़ा शुरू कर दिया है, बैकअप भेजिए सर। उनमें से एक आदमी लॉज में घुस रहा है सर। मेरा अंदाजा सही था, वो जो भी हो बचना नहीं चाहिए। पहुंच रहा हूं मैं। असलम, तू यहां? ये क्या चल रहा है नीचे? टेंशन क्या है? भाई ने बुलाया तुझे, उन्हें तेरी फिक्र है। तू अपना आदमी है ना? ये पहन, सरकारी ट्रैफिक बहुत है, चल। इतनी भी क्या चलती है? बंबई पुलिस सब सूंघ लेती है। तुझे क्या लगा चकमा दे देगा? बोल बोल, शोएब कहाँ है? कहाँ है शोएब? शोएब यहाँ है। भाई अब यहाँ? असलम, बाजियां पलट जाती हैं जब इंसान पलटते हैं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका आदमी हूँ। मैं तीन तक गिनता हूँ। आदमी तो औरतों के होते हैं, मुझे मर्द चाहिए मर्द। भाई मैं वहां सिर्फ 5 मिनट के लिए था, उन सालों ने मुझे मेरा टाइम टेबल पूछा और फिर जाने दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, कोई गलती नहीं। तेरी गलती यह है कि तेरे हाथों के निशान पुलिस के पास है, जो कभी भी मेरी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। तो! उन कमीनों ने मुझे फंसाया भाई, मुझे फंसाया गया। हो सकता है, पर क्या करे जिमी, मैं तुझे मरा हुआ देख सकता हूं लेकिन कभी शक से नहीं देख सकता। तुम लोग उस तरफ से। असलम चल। ए, चलो ए, निकलो, चलो निकलो यहां से। जिमी की मौत का मातम बना रहा है या फिर मेरी जीत का? भाई ये भी तो हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। आज खुद फंसा था, कल मुझे फंसा देता। पुलिस का बंदोबस्त देखा था वहां, पकड़े जाते ना तो 15-20 किलो लोहा डाल देते हमारे अंदर। जिमी ढीला पड़ गया होगा, पर वो गद्दारी नहीं कर सकता। देख असलम, अपना हिसाब क्लियर है। कोई काम आदमी अच्छा करे तो साले के लिए शैंपेन खोलो, बुरा तो उसकी खोपड़ी। आदमी की अच्छाई दब सकती है,
मर नहीं सकती। आपने मुझे कीचड़ से उठाया था, मेरे लिए आप हमेशा हीरो रहोगे। सब माँ की आंख हीरो बनना चाहते हैं, लास्ट रील के लिए जीना चाहते हैं। आखिरी रील में घर बसेगा, माँ खुश होगी, लड़की मिलेगी, हैप्पी एंडिंग होगा। मैं वो हूँ जो पूरी फिल्म में सबकी माँ बहन करना चाहता हूँ, मजे लूटना चाहता हूँ। मुझे याद किए बिना तो अच्छे लोगों की मिसाल नहीं दी जाती। असलम, विलन हूँ मैं, विलन। प्रेस करके रखते हैं। जी। अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? तू अपना बच्चा असलम, तेरे मातम पे एक पैग एक्स्ट्रा लगाऊंगा, लेकिन साले तुझे मारूंगा जरूर। गलती करने वालों के लिए शोएब सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ता है, ऊपर का। अच्छा किया तूने मुझे बुला लिया। शोएब के टुकड़ों पे पलने का कोई शौक नहीं है मुझे। नो टेंशन, बॉम्ब लगाया बच गया, पुलिस से हाथ मिलाया उधर से निकल गया। अब साला कोई कुत्ता भी आके मुझे कहे ना कि मैं शोएब को काटूंगा तो उसे भी बाप बना दूंगा मैं। ले फिर हड्डी। ये कौन है? ये शोएब की नई लत है। अरे इसी लत तो वो रोज लगाता है, रोज छोड़ देता है। इस लड़की को अवार्ड मिला है सबसे खूबसूरत चेहरे का। हा? चेहरा पर्दे पे आने से पहले सुर्खियों में आ जाए, क्यों? ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, शोएब। उसने कह दिया और सबने मान लिया। अच्छा, मतलब पत्थर दिल में दरारें पड़ने लगी है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। चाबुक हाथ में आ गया है, अब घोड़ा काबू में आ जाएगा। नो टेंशन। प्यार और दोस्ती के बीच एक मोहरा बन चुकी हूँ बाबा, अब मैं क्या करूँ? दोनों में फैसला करना बहुत मुश्किल है बेटी। पर दिल का तराजू जिसकी ओर झुके जीत उसी की होती है ना, है ना? और बूढ़े सही बोल रही है वो। कट, कट, किसने किया ये? कौन बोला ऐसा? वेरी गुड जैस्पी, चलो आगे बढ़ते। कम ऑन, स्टार्ट साउंड 33x6 टेक 1 एक्शन। तभी तो इंसान की जिंदगी पर शक होता है, बस वही नहीं मिलता जिस पर हमारा हक होता है। ओके कैडेट, क्या बात है, वेरी गुड जैस्पी। थैंक यू सर। जब ऊपर वाला तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है तो मैं कौन होता हूँ। चलो सब लोग पैक अप, घर जाओ, बाकी कल काम। थैंक यू। चले। तुम फिर आ गए? अम्मी को पता चलेगा तो वो हमें घर से निकाल देगी। तू बोले तो तेरी अम्मी के लिए एक बढ़िया सा अब्बा ढूंढ दूं। हाय अल्लाह, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। सोच के बोलूंगा तो बात बुरा मान जाएगी। तुम जैसा आदमी पहली बार देख रही हूँ। और देखोगे भी नहीं, क्योंकि एक ही पीस हूँ, सिर्फ मैं। आ जाओ आ जाओ। चलो अब आ ही गए हो तो हमें शाहिन के घर छोड़ दो। मेरी गाड़ी में मीटर लगा हुआ है कि ड्राइवर मीटर डाउन करो और चलो। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, छोड़ने नहीं। हमने तार भेजकर बुलाया था, फोन किया था, नहीं ना तो हमारा काम करो। ये तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जानती हूँ बहुत पावरफुल आदमी हो, लोग डरते हैं तुमसे। अब गाड़ी चलाओ, मुंह नहीं। ये कौन लोग है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? शाहिन को अपने हीरो से मिलना है और वो तब तक नहीं जा सकती जब तक हम उनके साथ ना हो। उसकी अम्मी को हम पर बहुत भरोसा है। वारे वाह, उसकी माँ का भरोसा। प्यार में
आदमी कटिंग चाय जैसा होता है, न प्यास बुझती है न मन भरता है। अच्छा, प्यार में आदमी क्रिकेटर जैसा होता है, दिल आउट हो जाता है, दिमाग अपील करता रहता है। अच्छा, प्यार में क्या हो गया तुम्हें? कब से प्यार का पहाड़ा पड़े जा रहे हो? फायदे बता रहा हूँ प्यार के। कल तक तो प्यार जहर लगता था, आज कैसे शहर टपक रहा है? प्यार में आदमी डबल जीता है, जब पूरी दुनिया सोई रहती है ना तब भी वो जागे रहते हैं, हो गया ना डबल। लगता है टेलर साहब का दिल किसी के दुपट्टे में फंस गया है। अरे दिल ही नहीं, दिमाग भी। कल उसके ख्यालों में भिंडी बाजार से हाजी अली तक पहुंच गया पैदल। कौन है, कोई दोस्त? तो फिर प्रेमिका? प्रेमिका हट। तो कौन है? है अपनी आइटम। तो बता क्यों नहीं देते अपनी इस आइटम को, अपनी दिल की बात? बोल दूं? बोल दो। खुदा इतनी जहमत कर, बंदे पे थोड़ी रहमत कर। तुम आप हमारे हम मेरे मैं क्या बोल रहे हो तुम? प्यार में लगता है जब सिर्फ बोलने लायक रह जाऊंगा तभी बोल पाऊंगा। तो अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं ले लेते? अरे अपने धंधे की सही है, जहां मिले दोस्त को जुगाड़, दोस्ती हो गई कबाड़। तुम्हारा धंधा और तुम्हारी कहावतें बिल्कुल मेल नहीं खाती। और ये क्या जुगाड़, आइटम? लड़की को लड़की कहते हुए शर्म आती है तुमको? प्यार में ना शाहीन आ गई, हम जा रहे। अरे अरे जैस्मिन सुन सुन, जुबान की चुप्पी प्यार की पप्पी लेने ही नहीं देगी। मैंने उसे कहा कि मैं ड्राइवर हूं क्या, पर वो सुनती कहां है। उसके सामने जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खाली बंदूक लेकर शेर के सामने जाके खड़ा हो गया हूं। शुक्रिया। अब पता चला जब किसी के ऊपर जोर नहीं चलता तो कैसा लगता है। पूरी हिली भी पार्टी है, पता नहीं उसका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, मुझसे बकवास कर रही है। जिसने सारी दुनिया के नाक में दम कर रखा है उसके उसके कान खींच रही है। ये लक्षण तो मुझे इसके आगे कुछ मत कहना। नहीं बोलूंगी, लेकिन ये ध्यान रखना जिसके कदमों में दुनिया रखना चाहते हो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दुनिया ही अलग हो। ऐसा होने से पहले मैं उसकी दुनिया पलट दूंगा। सितारों के कितने करीब है हम, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बोलूं तो मेरा जवाब दे देंगे। देखो तो कैसे आंख मार रहे मुझे। तुम्हें तो भगवान देख ले वो भक्त हो जाए, ये सितारे क्या चीज है। ऐसी बातें मत करो, हमें पाप लगेगा, हमें जमीन पर ही रहने दो। तुम्हारी मंजिल जमीन नहीं आसमान है। बचपन से ऐसे घर का सपना देखा था। तुम्हारा सपना मेरी नींद में आ गया था। क्या मतलब? यह शहर की सबसे ऊंची इमारत है, तुम्हारे सिवा इन सितारों के करीब कोई नहीं आएगा, जब चाहो छू लेना इन्हें। आज से यह घर तुम्हारा है। शोएब जी ऐसा मजाक नहीं करते। तुम्हें अपने सपनों की कीमत का अंदाजा नहीं है। जिन सपनों की कीमत हो वो सपने ही क्या। कीमत ठीक लगी हो तो सबसे पहले सपने ही बिकते हैं। कौन सी मिट्टी के बने हो तुम, चेक करानी पड़ेगी। तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही, हमारे सपनों का महल बिकाऊ नहीं है, वो हमारी मेहनत से बनेगा। मेहनत से सिर्फ घर बनते हैं, सपनों के महल नहीं। देखो क्या नहीं है यहाँ, सब कुछ तो है। ऊपर सितारे सर के ताज की तरह, नीचे देखो पैरों में पाजेब की तरह। ये सब
तुम्हारे लिए। हमारे लिए? लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। हम जा रहे हैं, अब हम ना ही मिले तो अच्छा होगा। ना मिले? हाँ ना मिले। लगता है आपने हमें गलत समझ लिया है। हमने गलत समझा? और नहीं तो क्या, हम आपको सिर्फ दोस्त समझते हैं। दोस्त? इस घर का क्या करूं मैं? हमें क्या पता क्या करोगे, बेच दो, जला दो, वापस कर दो। जला दूं? मैं राख हूं राख, और राख में तो आग भी नहीं लगती। तू उसमें प्यार की चिंगारी देके दोस्ती का नाम दे रही है? हाँ, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते शोएब जी। हाँ तो किससे करती हो ना, बता मुझे। सब कुछ मिटा दूंगा, उसे भी और तुझे भी। याद रखना, सितारों के टूटने से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जाने दीजिए शोएब जी। 5 मिनट लगेंगे तेरी इज्जत उतारने में, 1 दिन में तेरा आता पता सब गायब हो जाएगा। याद रखना, शोएब तो प्यार भी प्यार से नहीं करता। हट, निकल। बहुत हो गया हंसी मजाक फैमिली ड्रामा, अब एक्शन शुरू। तेरी हीरोइन बहुत भोली है डीके, हम उनके इतने बड़े फैन हैं, लेकिन उस पे हवा तक नहीं लगती। शोएब भाई, क्या कर रहे हैं? शोएब भाई क्या कर रहे हैं? शोएब भाई हाँ, उसने मुझसे दुश्मनी की है, मुझसे जिसे लोग दोस्ती करते हुए भी डरते हैं। लेकिन जैस्मिन तो सीधी सादी बच्ची है शोएब भाई। हाँ, इतनी सीधी है कि रावण से भी राम राम करवा दे। डीके, रावण राम राम नहीं करते, सीधा सीता को उठा लेते हैं। उठो, चलो, बंद करो मेकअप, पिक्चर बंद। पागल हो गया है वो। कौन? शोएब। शोएब? शोएब वही गैंगस्टर। गैंगस्टर शोएब? अरे बंबई का सबसे बड़ा गुंडा है वो शोएब, हमारा पूरा सेट तोड़ दिया उसने। तुमने कभी नाम नहीं सुना उसका? चौबीस घंटे का टाइम है, खुद नहीं आई तो इस रावण से बचाने के लिए कोई राम नहीं आने वाला। बैकअप, बैकअप। ये क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया बेटी? हमें नहीं पता था शोएब हमारी दोस्ती को प्यार समझ बैठेंगे। अगर आदमी को दोस्ती और प्यार का फर्क मालूम होता तो कभी कोई दिल खट्टा नहीं होता। तुम इस शहर में नहीं हो, बात को समझ नहीं रही हो। इस शहर का सब कुछ शोएब है, और अब तुम्हारा सब कुछ शोएब है, दोस्त भी और प्यार भी। और अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शोएब। आपके शहर में पुलिस नहीं है क्या? पुलिस भी है और उसे पकड़ना भी चाहती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई और होता तो मैं हर कदम तुम्हारे साथ लड़ता, लेकिन आई एम सॉरी। गुड लक। Thank you.
फरीदा, क्या ये सब? अपा ये देखो, ये है रेडियो के बड़े भाईजान। इस पर गाना कितनी भी तेज आवाज पर सुनो, कोई दूसरा तंग ही नहीं होता। वॉकमैन कहते हैं ऐसे। ये देखिए ना आपा, झूमर बिल्कुल वैसा ही है ना, वो फिल्मी घरों के जैसा है ना। बस कोई भी नई चीज दिख जाए ना, एक ही दिन में पुरानी करनी होती है। अरे ये सब तुम्हारे दहेज में काम आ जाएगा। चलो कर दो सब बंद। बेटा, जिन चीजों के लोग सपने देखते हैं, हमें उनके लिए एक पलक भी नहीं छपकानी पड़ी। किसने दिया ये सब? कोई शोएब ने भेजा, शायद वो तुम्हारा फैन होगा। ये सब चमक धमक देखकर अंधे हो गए आप लोग। इसके आगे पीछे क्या है कुछ समझ में आता है आपको? कुछ नहीं चाहिए इसमें से। नहीं जी। अरे नहीं चाहिए। आप ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। आप नहीं जानती शोएब को, गैंगस्टर है वो, गुंडा है। उसने हमारी फिल्म तक बंद करवा दी। इसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। सारा सामान वापस कर दो, सब कुछ वापस कर दो। ठीक है बेटा, हम सारा सामान वापस कर देते हैं। पर तू बोल रही है कि वो गैंगस्टर है, तो क्या वो चुपचाप सारा सामान वापस ले लेगा? तुम कह रही हो वो खतरनाक है, तो फिर तुझे क्यों नहीं डर लग रहा? किसके भरोसे इतनी हिम्मत दिखा रही है तू? देखो बेटा, जो भी हो समझदारी से कदम उठा, क्योंकि बुराई से मुंह मोड़ लेना आसान है, पीछा छुड़ाना नहीं। क्यों अलग लग रहा हूं ना धांसू? वो क्या है ना, अंदर की बात बोलनी हो तो बाहर से सही लगना चाहिए। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, बहुत जरूरी। लेकिन पहले मेरा नंबर है, बड़ी मुश्किल से लाइनें याद की हैं, कुछ आगे पीछे बोल दिया तो सॉलिड गड़बड़ हो जाएगी। बहुत खुश लग रहे हो आज, कुछ ऐसा मत कह देना कि रोना आ जाए। अरे मेरी जगह से देखो, कैंडल की रोशनी में तेरी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे पुलिस जीप की हेडलाइट। इन आंखों में आंसू लाकर गिरफ्तार होना है मुझे। असलम, नहीं रोक मत। वो क्या है ना, लोगों को जहां अटैक आता है, अपने को वहां प्यार आ गया है, और वो प्यार को मैं असलम आज के बाद हम नहीं मिल सकते। क्या मजाक कर रही हो? तुम समझते क्यों नहीं, मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है, अखबार में इश्तिहार तक दे चुकी है, कश्मीरी, पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी, मेरे बारे में सब कुछ लिख भी चुकी है। सब कुछ लिख दिया? सब कुछ ये लिखा है कि तुमने सुख नहीं सपने देखे, ये लिखा है कि तुम वो मन्नत हो जो मिन्नतें करके पूरी होती हैं, ये लिखा है कि इस चांद को सितारे बहुत पसंद हैं, कि तुम असली दोस्ती की बरख बोलो सिक्का उछाल के कर ली। साली भाव नहीं देती है भाई, यही प्रॉब्लम है हाँ लड़कियों की, हम साला दिल फ्री में देते हैं वो भाव भी नहीं देती। क्या हुआ, जला जला सा घूम रहा है तू? हम्म, लग गया भाई जैक, पानी भी नहीं उतर रहा है गले से। आज आप जो पिला दो, रम विस्की कुछ दे दो। गया एक और आदमी काम से।
भाई एक बात समझ में आ गई, साला आदमी की जिंदगी को स्वर्ग औरत बनाती है और आदमी को स्वर्गवासी भी औरत। असलम, प्यार बहुत बड़ी गुगली होती है, मिल जाए तो बादाम वरना साली मूंगफली भी नहीं होती। क्या भाई आपको क्या टेंशन है, आप जिस लड़की को प्यार से देखो वो व्रत रखना शुरू करती है। सही बोल रहा है। चल बता कौन है वो, कहाँ रहती है, क्या करती है? अरे बोलना, चुप क्यों है? अच्छा उसका नाम बता, उठवा लेंगे उसको। चल बता। नाम बता दिया तो किस्सा बन जाएगा, और ये जो प्यार के किस्से होते हैं बहुत कम लोगों के हिस्से होते हैं। हाँ बोलो, आप किसको दिल का हाल लिख रहे हो? है एक अपनी भी नई हीरोइन आई है, नाम उसका हेलो। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है पर खून काफी निकल चुका है, इसलिए बेहोश है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर इसको कुछ हुआ ना तो तेरा पोस्टमार्टम पक्का। ए, इधर आ। चल तेरे को समझाता हूं। प्यार हो गया ना तुझे इससे, ना तू इस लड़की को छोड़ सकता है ना मैं। क्या? हम दोनों जैस्मिन को बहुत चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसा किसने बोला? मैंने बोला। तू और मैं और बीच में जैस्मिन। हो गई ना लड़ाई शुरू? हाँ? नहीं भाई। अबे सच में ना सही, पर रावल को बिल से निकालने के लिए तो ये ड्रामा हो सकता है। मैं समझा नहीं। रावल के कानों तक ये बात पहुंचानी है कि जैस्मिन की वजह से तू मेरे खिलाफ हो गया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये बात सुनते ही तुझसे हाथ मिलाने जरूर आएगा। जैसे ही रावल हाथ मिलाने आएगा फटाक करके हम लोग उसको पकड़ लेंगे। क्या बोलता है भाई? सबके बीच में जैस्मिन को लाने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जानती है कि प्यार के सामने दोस्ती हल्की पड़ जाती है। असलम, प्यार में मरने के लिए तैयार हो जाओ। असलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भाई कभी माफ नहीं करेगा। तो वही बात हो गई, जब देवर की मौत आती है तो उसे भाभी अच्छी लगने लगती है। असलम ने अगर उस तरफ देखा भी ना तो शोएब भाई उसकी आंखें निकाल लेंगे। लड़की बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। पागल हो गया, उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। भाई की हाथ लग गया तो असलम खत्म। असलम ने गलत रास्ता चुन लिया। फैसला कर लिया मैंने, तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, कहानी खत्म। जो बात तुमसे करना चाहता था अब मैं खुद से भी नहीं कर सकता, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
लड़की बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। ये जो लंगोट ढीली की है ना असलम ने, तू देखना शोएब भाई उसी से उसकी गर्दन टाइट कर देंगे। यार पूरी दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली उसे, भाई के प्यार पे नजर यार। असलम ने वफादारी गद्दारी में बदल दी, भाई उसका सिर काट देंगे। भाई के हाथ लग गया तो असलम ने बहुत बड़ी गलती माफ नहीं करेगा, भाई उसके पैर काट देंगे। अपनी लाइन की एक सेइंग है, जहां तीन का तिगड़ा वहां काम बिगड़ा। मेरे साथ ही होना था, जिस भाई ने सर पर हाथ रखा उसी का दिल दुखाने लगा था। गुनाह कर दिया यार, बस एक बार तो जो होश आ जाए ना, भाई को रावल मिल जाए, फिर अपना तो थैंकली और वटकली। क्यों भाई छोटे, खबर पक्की है क्या? सुना शोएब का वजीर उसका दुश्मन हो गया है। 100% पक्की खबर है, वो असलम मेरे पास भी आया था, लेकिन अपन को शोएब के साथ कोई मचमच नहीं चाहिए। जब जैस्मिन पे गोली चलाई तब दोनों साथ में ही थे, पहले पता होता तो मारने की जगह हाथ मिला लेता। खैर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब सही, नो टेंशन। बड़ा अड़ियल है ये दिल, कितना समझाने की कोशिश की कि तुमसे अलग रहना होगा पर ये मान ही नहीं रहा, दो नाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ भाई और एक तरफ तुम। असलम तुम ही हो, फोन है तुम्हारा। फोन पे ही हाथ बढ़ा रहा हूं, मिला ले, तेरा भी काम हो जाएगा मेरा भी। कहाँ घर चाहिए, कौन सी गाड़ी, कितने पैसे, बस सिर्फ ये बता दे कि शोएब कहाँ है, उसके बाद तू और जैस्मिन भी आजाद, मैं भी। शोएब से गद्दारी का मतलब तुझसे बेहतर किसे पता है, फिर भी मुझे खिलाफ जाने को कह रहा है। खिलाफ तो तू उसी दिन हुआ था जिस दिन जैस्मिन के करीब गया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। असलम तू अच्छा बच्चा है, देख तू कल शोएब के लिए जैस्मिन को छोड़ भी देगा तो भी वो तुझे माफ नहीं करेगा, जब उसे मन मार के शोएब से प्यार करना होगा। तुझे इनकी लंबी नींद सोया होगा, नो टेंशन। जब रोने के लिए उसे तेरे कंधे की जरूरत होगी, तू पहले ही 4 कंधों पे उठ चुका होगा, नो टेंशन। अगर शोएब रास्ते से हट गया तो जिंदगी भर तुझे नो टेंशन। असलम, हेलो, सुन रहा है तू असलम? सुन रहा हूं। तू बता कहां है शोएब? होटल शीश में 503 मार दे साले को। किया वो सही था या गलत, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
जैस्मिन को मारेगा तू, मेरी जैस्मिन को। हिम्मत कैसी हुई तेरी? बोल, बोल। अगर तू मुझसे बंबई मांग लेता वो दे देता मैं तुझे। जैस्मिन पे गोली चलाई तूने, बस अब खत्म। हमें आज के आज ही बंबई छोड़ के निकलना होगा। इतने सारे लोगों ने देखा है तुम्हें उसका खून करते हुए, और वैसे भी राहुल मर गया, काम पूरा हो गया, बात खत्म। थोड़ी देर में हर जगह पुलिस का पहरा होगा, पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी होगी भाई। और ये पुलिस, अरे क्या रे, तू बार बार पुलिस पुलिस करते आ रहा, पागल है क्या तू? अकबर, वो पुलिस स्टेशन के आगे रोक। क्या कर रहे हो भाई, यहां बहुत खतरा है। चुप। गाड़ी चालू रख, मैं आता हूं। यस सर, खबर बिल्कुल पक्की है सर, मरने वाला रावल ही है, और शोएब की शिनाख्त हो चुकी है सर, उसी ने उसे मारा है। मौका ही वारदात पर दो जीप भेज चुका हूं सर। सावंत सर को ऑर्डर है कि फौरन नाकाबंदी का इंतजाम किया जाए, इस बार शोएब निकलना नहीं चाहिए। जी सर, ओके। इतने रंगीन आदमी की ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जावेद को बोल के नहीं भिजवाता हूं। चल बैठ। आज सब लोग एक एक पैक ज्यादा पियेंगे। दोनों जहां जीत लिया, दिल भी दुनिया भी। भाई हुसैन की असलम को मत बुलाना। क्यों? रंग में भंग कर देगा साला, अलग ही दुनिया में है आजकल। मेरे पास भी आया था वो, बस कुर्ता फटा हुआ नहीं था, बाकी तो मजनू का भांजा लग रहा था वो। भाई वो थोड़ा परेशान है आजकल, बहुत चाहता है उस लड़की को। है कौन ये लड़की, हाँ कैसी है? नहीं वैसे तो बहुत अच्छी है लड़की, पर ऊपर का माल थोड़ा खाली है। ये असलम एक दिन उसको गलती से बता दिया कि वो जहाँ तक पढ़ी है उसको अंग्रेजी में इंटरकोर्स कहते हैं। सच मान ली, बोलती फिरती थी कि मैंने ये वाला कोर्स किया है, मैंने वो वाला कोर्स किया है। नाम क्या उसका? क्या हुआ भाई? नाम क्या उसका? जैस्मिन। जैस्मिन, जैस्मिन क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? हमें यहां से निकलना होगा असलम, हमारी मदद करो। देखो डरने की कोई बात नहीं है, शोएब भाई है ना? शोएब कहाँ है वो? वो आएंगे, वो आएंगे। नहीं, इससे पहले वो यहां पहुंचे, ले चलो मुझे कहीं दूर, मदद करो हमारी, बचा लो हमें शोएब से। क्या? मुझे शोएब से आजादी दिला दो असलम, या फिर यही जहर का इंजेक्शन देके मार डालो हमें। पता नहीं कब से मेरे खिलाफ जहर भर रहा होगा जैस्मिन के कानों में। सांप की तरह कुचल दूंगा साले को। जिंदगी खराब करने से तो अच्छे से मिटा ही दूं। हमें डर लगता है शोएब से। तुम्हारे प्यार ने उन्हें बदल दिया है। नहीं असलम, शोएब जैसे इंसान का मिजाज बदल सकता, फितरत नहीं। उसकी फितरत में ही धोखा था साला, जिस दिन मैंने उसके सर पर हाथ रखा था उस दिन भी साला किसी को धोखा दे रहा था। जैस्मिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। जज्द से प्यार होगा, जबरदस्ती से प्यार होगा, वहां प्यार नहीं होता, नहीं हो सकता वहां प्यार। शोएब भाई तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम्हारा हर सपना देखने से पहले पूरा कर सकते हैं वो।
शायद तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे असलम, पर इतना समझ लो वो मुझे छीन सकता है, पा नहीं सकता। जिस तरह बंबई जीता है दोबारा, उसी तरह जैस्मिन को भी जीत लूंगा। मैं शोएब से इसलिए मिलने जा रही थी ताकि उसके सामने अपनी जान दे सकूं, साबित कर सकूं कि मैं कोई शहर नहीं जिसे वो जीत सकता है, अपनी मुट्ठी में कर सकता है। हमें यहां से निकलना है अभी। शोएब भाई से प्यार नहीं करती, मुझे भी लाल झंडी दिखा रही है, चक्कर क्या है? कोई चौथा है क्या? तुम बिना इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ो। और अब? अब क्या? तुम्हें लगता है मैं ऐसे किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो जाती हूँ? चल कर देखते। जिस शोएब की खबर हमें मुखबिरों से मिल जाती है, अगर यह हाथ से निकल गया तो कल इसी खबर के लिए हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने होंगे। यह आखिरी मौका है उसे रोकने का सावंत। सारे हाईवेज, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स हमारे घेरे में है सर। रावल को मारने के बाद शोएब का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए वो बंबई छोड़कर भागने की कोशिश करेगा जरूर, मगर कामयाब नहीं हो पाएगा। असलम, ये कैसे हो गया? सब ठीक तो है ना? चाचा, जैस्मिन का ध्यान रखना। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम? मेरा और शोएब भाई का रिश्ता खून से बढ़कर है। गुस्से में दो चार थप्पड़ मार लेंगे पर जान थोड़ी ना लेंगे। तेरी इनिंग खल्लास, अब भाई और जैस्मिन की शुरू। Ah!
12 साल की वफादारी एक गोली से खत्म कर दी। अगर अब बात जिद की आ गई है तो मैं भी जब तक जिंदा हूं जैस्मिन के लिए जिंदा हूं। दफन तो सबने होना है एक दिन, जीते जी दब गया तो जीना मिट्टी है। असलम, गलती मेरी ही थी जो अकबर को भेजा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब तुझे कोई नहीं छुएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि साले तुझे तो मैं ही मारूंगा। ठीक है, फिर आप अपनी बात पे कायम रहना और मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। भाई अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब रिश्ते इतने कमजोर हो गए तो उन्हें खत्म करने में ज्यादा वक्त चाहिए भी नहीं होता है। असलम को मैं संभाल लूंगा, जासमीन को भी ले आऊंगा। आप निकलिए यहां से, हर दूसरे कदम पे चार चार पुलिस वाले खड़े हैं। इस वक्त आपका डोंगरी जाना सही नहीं है। बंद कर दो डोंगरी को, हर आते जाते रास्ते पर लिख दो यहां कानून का आना जाना मना है। जाओ। जी भाई। शोहेब रुक जाओ, शोहेब मत करो ये सब। अपनों से जीतकर भी हार ही मिलती है। अब उसे छोड़ दिया तो दुनिया हंसेगी शोहेब पे। तुम्हें दुनिया की पड़ी है, जैस्मिन का सोचो। जैस्मिन सिर्फ मेरी है। असलम ने महंगे शौक पाल के अपनी जिंदगी सस्ती कर ली है। प्यार की लड़ाई पाक होनी चाहिए शोहेब, तुम पाप कर रहे हो। असलम को मारो कि जैस्मिन ऐसे ही मर जाएगी, और अगर जिंदा भी रही तो उसकी जिंदगी भी मेरी तरह खराब कर दोगे। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की है? घर, कपड़े, जेवर, ये सारे कीमती सामान मैंने दिए तुम्हें। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया। खुशियां दी लेकिन बांटने वाले नहीं, तोहफे दिए लेकिन तारीफ करने वाले नहीं। आसमान पर बिठाकर मेरी जमीन छीन ली तुमने। इतना दुख हो रहा है तो बोल, तेरी सांसें बंद कर दूं? कर दो, मार दो मुझे भी। यही सीखा है ना तुमने, जो तुम्हारे सामने सर उठाए उस सर को काट दो। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, थक गई हूं मैं भागते हुए छुपते हुए, लोगों के ताने सुनते सुनते। आज अगर तुम नहीं रुके ना शोहेब, तो कल मेरी जगह जैस्मिन होगी। किसी की इतनी बद्दुआ भी मत लो कि लोग दुआओं में तुम्हारी मौत मांगे। तुमसे ये कहना कि अच्छे बन जाओ तो बेकार है, लेकिन हो सके तो किसी एक की जिंदगी बख्श दो, किसी एक कहानी में तो हीरो बन जाओ। अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। बेटा सब प्यार से सुलझ जावे तो बेहतर होगा। ये प्यार के पंगे हैं चाचा, इसमें प्यार से कुछ नहीं होता। तू अपनी हालत देख, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, शोएब का सामना कैसे करेगा? हिम्मत को आगे बढ़ने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। सावन सावन साहब, शोएब डोंगरी में है। शोएब
जब मिला था तो मेरे घुटने तक आता था, आज तुझे तेरे घुटनों पे लाना होगा। आठ आना डाल के दो कौड़ी की धमकी तो कोई भी दे सकता है, सामने आए तो तुम दबा लिया। पानी हो गया असलम, वफादारी तो तूने निभाई नहीं, कम से कम मर्दानगी तो निभा। उठ उठ असलम, मार मुझे। उठ असलम, वरना अपने प्यार की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा। धंधे में कोई सेइंग नहीं है क्या तुझ जैसे कायर के लिए? हाँ असलम बोल, असलम बोल, असलम बोल। देख देख तेरा प्यार देख रहा है, देख उधर, अरे कायर।
कौन कहता है कि सबक सिर्फ किताबों से सीखी जाती है। इस शहर को तो मुट्ठी में कर लिया, पर यह दिल रेत की तरह हाथ से निकल गया। मैं लड़ भी नहीं पाया और हार भी गया। पता है, खुद को आईने में देखकर चुपके चुपके हंसता था। अब तेरा नाम ले लेकर मेरा खौफ मेरी खिली उड़ा रहा है। बचपन से आज तक इस शहर ने हर हक दिया, लेकिन देखो, बात प्यार की आई तो सौतेला कर दिया। और बुरा मुझे कहते हैं।